हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे गाइस। आज मैं माइनक्राफ्ट में आयरन फार्म बनाऊंगा। आयरन फार्म क्या बोल रहा हूँ? ऑटोमेटिक आयरन फार्म? नहीं, मुझे लगा मैं कुछ और बना रहा हूँ। मैं भी भूल जाता हूँ ना ब्रो, क्या करूँ यार। कुछ नहीं, बहुत स्लो नेटवर्क है आज नेटवर्क बहुत स्लो है ब्रो। क्या करें ब्रो, मेरा नेटवर्क इतना शुरू है। ये देखो मेरी SMP दिख रही है, अपन की SMP। उस ऐप से बनाई थी, एक ऐप है, बेकार ऐप है, इतना बकवास ऐप है, अरे लोड ही नहीं हो रहा। चलो मैं सिंपली अपना वर्ड में चलता हूँ। ये क्या हो रहा है? अच्छा हाँ, मैं अपने वर्ड में नहीं जा सकता ना, क्योंकि ये तो उस पर पड़ा है यार। सीरियसली नेटवर्क खोल लेता हूँ, ये बंद कर देता हूँ अभी उससे। अरे यार मत परेशान करो प्लीज़ यार, डोंट डिस्टर्ब मी। मैं कुछ और कर रहा था, कुछ और हो गया। देखो अब चल जाना चाहिए। ओह, आखिरकार मैं ज्वाइन हो सकता हूँ अपनी SMP में? अरे करेक्टर ही आ जाऊँगी, नहीं तो दिक्कत करता है फिर। जाएं करेक्टर हो जान देते, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होती है 12 वर्डा में। कोई नहीं, करेक्टर कोई सा भी आ जाए, हम चलते हैं अपने वर्ड में, क्योंकि ये हमारी ना एक तरह से मेरा क्रिएट किया हुआ वर्ड है। मैं इस वर्ड का कैप्टन हूँ, पर ये मैं ऑफलाइन हूँगा तब भी इस वर्ड को कोई भी एक्सेस कर सकता है। उसको कोई ऐसी वो नहीं है कि बिना मेरे इस वर्ड में नहीं आ सकता है कभी भी कोई भी। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, जब से मैं आयरन गोलम मतलब आयरन फार्म बनाने की बात कर रहा हूँ, तब से आयरन गोलम का मूड ना ख़राब लग रहा है। ये देखो मैंने कुछ किया है भाई। हेलो हेलो हेलो, आपका मूड काहे ख़राब है? बोलो, पता नहीं क्या मूड ख़राब लग रहा मुझको इसका। रुको आयरन गोलम को ना इसके अंदर डाल देता हूँ। क्या पार्कोर किया मैंने, अपन बहुत फेमस बा। आयरन गोलम चला गया ना दूसरी दुनिया में, बढ़िया आयरन गोलम। यार ये देखो, ये मैंने आयरन फार्म अभी बनाया भी नहीं, आयरन गोलम तो ऐसे स्पॉन हो रहे जैसे पता नहीं इनका घर हो। तो को मैं तलवार निकाल लेता हूँ, क्योंकि तलवार की मुझे ज़रूरत पड़ेगी भाई। आर्मर को डैमेज नहीं कराना मुझे, दे दिया उसने। आयरन गोलम की HP 200 होती है मुझे। मैं अभी तक मार भी नहीं रहा था एक एक, तुम मर जा पहले, तुम मर जा, आर्मर मैं रिपेयर कर लूँगा बाद में, तुम मर जा। देखो आयरन मेरे पास इतने आ भी गए ऐसे ही करते करते। ये देखो मेरा फ्लावर फार्म जो पिछले टाइम नहीं था, ये देखो जगह मैंने कितनी साफ कर दी यहाँ पे, वो देखो गेट बना दिया। ये मेरा फ्लावर फार्म है, पता है जैसे कि हमारे जावा एडिशन में होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि हम ना पिस्टन इसके सामने, क्या कहते हैं, इसके ठीक सामने इसका दोनों फेस ज्वाइन करते ही ना एक रिपीटर बन जाता है, उससे ये खर वर्क करता है दोनों साइड यही करके। और जावा एडिशन में ये होता है कि यहाँ पे नोट ब्लॉक लगाते हैं और एक बटन इधर एक बटन उधर दबा के दोनों तरफ से चला देते हैं, वो कंप्यूटर में होता है जावा एडिशन। हमारा पॉकेट एडिशन है तो हमारा सब कुछ अलग है। ओ भाई मैंने एक चीज़ ध्यान दी गाइस, ये देखो सारा सामान मैंने लेके रख रखा है पहले से, बहुत डिफ़िकल्ट काम था। सबसे ज़्यादा तो ज्वाला लेके आना, बहुत दूर है हमारे घर से ज्वाला। ज्वाला कोई अनफाइनाइट सोर्स भी होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, पहले बता रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी नया प्लेयर समझ लो। यहाँ वाह, इतना एक्सपर्ट तो कोई दुनिया में होगा नहीं जितने हम हैं, पिकेक्स के बिना काम कर रहे हैं। पिकेक्स तो ले लें भाई, पूरा काम पिकेक्स के बिना होगा देख लें। ऐसा है हमारा कुछ सीन, हम शरीर रही है ना। ये रही मेरी पिकेक्स फॉर्चून वाली, उसकी जगह वो रख देता हूँ यार, रख लेता हूँ ये काम आ जाता है कभी कभार।
अभी देखो मैं यहाँ से मुझे हेल्प मिल सकती है यहाँ से जाने में। अब ना जा पॉकेट एडिशन में ये नहीं होता कि हम पानी को प्लेस करके, पानी इतनी देर तक यहाँ ज़मीन पर रुकता ही नहीं है कि हम उड़ के जा सकें, और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। आपको ना ऐसे बनाना है, और इसको कितना ऊंचा करना है आप इसको ना, पांच ब्लॉक आपको ऊंचा करना है इसको। कम भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो पांच ब्लॉक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे किस काम का है ब्रो। चेस्ट खुलने के लिए लगा, नहीं चेस्ट तो तब भी नहीं खुलेगी यार। सीज़न भी रेनी का नहीं हो रहा कि मैं उड़ के ऊपर चला जाऊँ। पहले मैं अंदर आ जाता हूँ। अब ना मुझे बटन चाहिए, बटन जो मैंने चार बटन रखे थे, एक बटन इधर, दो बटन इधर और एक बटन इधर करके अब मुझे ऊपर चलना चाहिए। अब ना सिंपल सा एक काम करना है, ज्वाला बकेट को, लावा बकेट को किसी भी साइड से डाल दूँ, बस एक ब्लॉक का नीचे गैप भी हो गया और पड़ भी गई। अब मुझे ऊपर चलना है। अब ना इसको ऐसे बनाना है, हर साइड तीन तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, और इसको ना फिल कर देना है, पूरा भर देना है। मैं इसको भरने के बाद बताऊंगा आपको। तीन हो गया, अब इसको ऐसे भर देना है फटाफट। भर दीजिए आप लोग, रुको मैं भर देता हूँ ना, क्या दिक्कत है, मैं पिकेक्स नहीं ले पा रहा क्या। अरे वाह, उदय इज अ प्रो प्लेयर है ना। बॉट हूँ मैं यार, सच में बॉट हूँ। ऊपर मैं जाऊँगा। अब मैं ऊपर ही चला गया, थोड़ा मीडियम मतलब सही पे जाना है, सही पे। ऊपर मैं जाऊँगा। ऐसे ही चले जाता हूँ, इतना दिमाग का ही लगाना। रुको गाइस, मैं इसको फिल करके ही मिलता हूँ, मुझे बहुत फालतू का टाइम लग रहा है। बताएं आपको ना ये तीन एक्स्ट्रा, देखो एक आपको ना ऐसे करना है, बीच में एक ग्लिच हो गया था, एक ऐसे ब्लॉक लगा के और ये ना इसमें 2x2 की दीवार बना देनी है, चारों तरफ नहीं किसी एक साइड छोड़ देनी है। जिस साइड आपको कांच की दीवार बनानी है 2x2, मतलब सेम ऐसी पर कांच की बनानी है। मैं तो ऐसे बना रहा हूँ, जैसे थोड़े ब्लॉक पे सेव कर रहा हूँ। ऐसे ब्लॉक मैं वेस्ट करता रहता हूँ बहुत। मैंने तो स्टोन फार्म बना रखा है ना, आपको भी अगले वीडियो में बताऊँगा कैसे बनाते हैं। फटाफट बना देते हैं इसको, थोड़ा सा थोड़ी और स्टोन चाहिए सिर्फ। हो गया कंप्लीट काम, ये एक ब्लॉक ऐसे लगा के। अब ना यहाँ पे एक साइड, किसी भी एक साइड कांच की वॉल लगानी थी, तो इधर ना मैं कांच की वॉल लगा रहा हूँ, मैंने कहा था ना। लो हो गया, सेम ऊपर भी यही करना है, मतलब ये भी डबल कर देना है ना। और उसके बाद अब क्या करना है आपको गाइस, देखो हो गया। अब आपको ना इस साइड, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, तो इस साइड पहले मुझे ऊपर जाने दो। अरे यार कहाँ जा रहा हूँ मैं, वापस नीचे जा रहा था। अब ये लग जाना। नहीं लगा मेरा, लग कितना बुरा है।
अरे यार नीचे से भी तो लगा सकता हूँ मैं, लग गया। अरे यार हट ना, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। अरे वो सही लगा था, यहाँ लगा दो, क्या कहते हैं मतलब यहाँ पे नहीं, इसके नीचे। अब मैं ऊपर चला जाता हूँ फटाफट, उस पे पाथ पे खड़ा हो जाता हूँ और फिर ना बनाता हूँ ये। मैं आ गया। अरे वाटर बकेट मैंने वापस रीफिल कर ली। अब ये ना मुझे तीन ऐसा रूम मतलब ऐसा एक बनाना है फटाफट। क्रिएट करो क्रिएट करो क्रिएट करो। फटाफट इसको कर देता हूँ मैं। और बाउंड्री ना मैं इसके एक अगले ब्लॉक पे करूँगा बाउंड्री। देखो मैं ना ये 10 ब्लॉक ना इसके लिए दे रहा हूँ, बाउंड्री ना मैं इधर करूँगा, इधर। ये रही हमारी बाउंड्री, तो हमें वही कंटिन्यू करनी है जो थी। बाउंड्री को तो चेंज करना गुना होता है ना ब्रूम। कितने लोग बिना क्रिएटिव यूज़ किए भाई कुछ नहीं कर पाते। मैं तो पूरा सर्वाइवल में जबकि बना रहा हूँ। प्लीज़ और ब्लॉक लाने होंगे, वैसे अब ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी, कम से कम 5-6 और चाहिए होंगे। 5-6 चाहिए होंगे ना, रुको। फटाक से इनकी छत तोड़ देता हूँ। वैसे भी ये घर तो तोड़ना ही है, वैसे भी मुझे इसके अभी नहीं तो बाद में तोड़ना है, पर तोड़ना तो ज़रूरी है ना ये घर हमें। अभी तो एक एक करके विलेजर को ऊपर ले जाना है। ये 200 मुझे सारे विलेजर चाहिए ऊपर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैं वहाँ तक लगा भी नहीं सकता। लो हो गया कंप्लीट। अब मुझे ना एक छुक छुक चलो मैं तो छोड़ के चला गया, मैं डर गया था एकदम से। मुझे लगा अब ये आएगा मारने मुझको। प्लीज़ यार ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। 2 ब्लॉक रह गए। अरे यार पानी नहीं फिल हो रहा मेरा। भाई एफिशिएंसी वाली पिकैक्स कितनी फास्ट वर्क करती है, मुझे स्मूथ स्टोन इतनी जल्दी तोड़ रही है भाई, फिर तो लाजवाब है। इनको ना सबसे बढ़िया टाइम होता है ये नाइट का, इनको नाइट में ना मैं वहाँ ले जा सकता हूँ। एक एक का बेड तोड़ो, मतलब दिन में ही ले जा सकता हूँ, क्योंकि नाइट में ना बहुत दिक्कत आती है गाइज, आपको पता होगी। रुको गाइज मैं ट्रेन की पटलियाँ बना के मिलता हूँ। भाई प्लीज़ मारना नहीं है, हम अब दोस्त हैं। फटाफट ऊपर जा, ऊपर तक की ट्रेन की पटरियाँ बनाता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। तो गाइज ये देखो मैंने कर दिया है। अब गाइज आपको ये देखना है, ब्लेजर को निकालना सबसे डिफ़िकल्ट काम है, पर मेरे पास एक आइडिया है ब्रोम, बहुत बढ़िया आइडिया। बस ना वहाँ दिक्कत होगी, ब्लेजर ऊपर चढ़ेंगे। कौन मार रहा है, कौन मार रहा है? ये आयरन गोलम को क्या दौड़े पड़ रहे हैं क्या? मैं लंबे टाइम से देख रहा हूँ, मुझे मारे जा रहे हैं, बेमतलब के मारे जा रहे हैं, बेमतलब के। हटो यार प्लीज़, बैठो कोई, जाओ बैठो, वही तो जाओ, तुम ही चले जाओ बेटा। यार प्लीज़ मत मार आयरन गोलम। यार मार रहा है ये क्या हुआ?
ओहो इनको वो मिल गई, इनको वो मिल गई। पहले मैंने इनको भाग, तू तू भाग, तू भाग, बेफालतू में तू आयरन फार्म बनाए हैं हर जगह पे। देखे सही से पहुंचा कि नहीं पहुंचा। वैसे तो पक्का गारंटी मैं ले रहा हूँ कि एक तो चला ही गया होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आई होगी पूरे रास्ते में। हाँ ये देखो नहीं आई इसको दिक्कत, ब्रो नहीं आई। अब देख दिक्कत ये है कि अगर मैंने इनकी छत खुली छोड़ दी, छत से भाग जाएंगे चोर किंग के। पहले इनकी छत बंद कर देता हूँ मैं, छत से भागे ना। फटाफट बंद कर देंगे हम, फटाफट बंद कर देंगे हम, फटाफट फटाफट बंद कर देंगे हम। ब्लॉक कम पड़ गए तो लेंगे हम, यहाँ से ले लेते हैं। 5 ब्लॉक मिल गए, 5 से काम हो जाएगा, नहीं होगा तो हम फिर आ जाएंगे, है ना ब्रूम? कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे ना। यार ये अपनी जॉब नहीं बदल रहा क्या? ट्रेन में बैठ के इनको एलर्जी हो जाती है, जॉब नहीं बदल पाते क्या ये? अंदर ट्रेन आएगी फिर ये लोग बाहर नहीं जा पाएंगे ना। हाँ नहीं जा पाएंगे, पता नहीं अंदर ट्रेन आएगी कि नहीं आएगी। भाग ब्लेजर, मैं ब्लेजर को तो मार रहा हूँ इसलिए तो नहीं गुस्सा होता है वो। आयरन गोलम नहीं, आयरन गोलम सिर्री भी है थोड़ा, कुछ कह नहीं सकते। भाई तुम कहाँ से बाहर आ गए? अंदर चलो अंदर, यार प्लीज़ अंदर हो चले जाओ, मैं रुको चढ़ के आता हूँ। अंदर जाओ अंदर 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 अंदर, प्लीज ब्रो अंदर चले जाओ अंदर। हाँ ब्रो अंदर चले जाओ। रुको 4 बकेट पानी वाला काम भी मैं कर ही देता हूँ फटाफट, क्योंकि देखो क्या करना होता है। 4 बकेट पानी, एक बकेट इधर, एक बकेट इधर, एक बकेट इधर और एक बकेट इधर, बन गया फटाफट। जल्दी ज्वाला में जाऊं उससे पहले मैं निकल लेता हूँ। क्या कर रहा है ये प्लीज? यार इनने आयरन कॉलम को अंदर ही स्पॉन कर लिया। भाग यार, मार देगा ये। ऐसे तो नहीं, ब्लेजर मर जाएंगे ना मेरे, इसको तो मार दूंगा मैं, ब्लेजर ना मरे ना मेरे। चलो अब जल्दी से अपनी कार में इन लोग को बैठाता हूँ, फटाफट जाओ। अरे हटो ना, गैप बनाओ, गैप जगह दो, जगह जगह दो। जाओ कौन बैठ रहा है, बैठो कोई, तू बैठेगा तू? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, एक और कोई बैठो, तुम भी जाओ। दो चले गए, दो और। मेरी पानी की वाटर बकेट का है, फटाफट। ये देखो इसको पागलपन की दौड़ी पड़ रही है, एक को ये वो बनना है, क्या बताऊँ इनका मैं। ये एक ब्लॉक बचा है, अब दो लगेंगे, कोई बात नहीं है ना। अब देखो दो को मैंने ऊपर छोड़ दिया है, अब मैं उनको अच्छे से बंद कर देता हूँ। और गाइस एक को जैसे मैंने छोड़ा वैसे मैं सबको छोड़ के आऊँगा और इस बात का ध्यान दूंगा, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगा। तो गाइस देखो ये 20 हो गए हैं विलेजर, और अरे यार क्या हो रहा है। और ये देखो हमने बना दिया, ये बेड लगा दिए चारों तरफ, पूरे 10 बेड इधर हैं, 10 बेड उधर हैं, और बीच में विलेजर्स है, और इनका मतलब ये सारे विलेजर अपना जॉब पकड़ चुके हैं पहले से ही। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा वेट। अब देखो आपके ओवरवर्ल्ड में ना 2 आयरन गोलम उनसे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अगर हुए तो ये स्पॉन नहीं करेंगे, और ये वर्क करेगा नाइट में। पता नहीं नाइट होने में कितना टाइम है, अरे हो गई है रात, तो पता नहीं अभी ये वर्क करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पॉन करते हैं रात के टाइम, और इसमें ज़ॉम्बी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस ये ऐसे ही खुश होंगे, गुस्सा होंगे, खुश होंगे, गुस्सा होंगे, और आयरन गोलम स्पॉन होने लगेगा। चलो फिर वेट करते हैं। इसमें ना आपके बिल्ली के वो भी कलेक्ट होंगे, क्योंकि बिल्लियाँ आके मरेंगी इसमें। ये मेरे टॉर्च किसी काम की नहीं है, मेरे स्टोन और वो काम की है। भाई मैंने पूरा देखो साफ भी कर दिया साथ साथ। करो यार प्लीज़।
और भाई इस बार मैं बचा ज्वाला में गिरते गिरते। अरे यार मैं गिर ही नहीं रहा हूँ उधर, ले जमीन पे आ गए सीधे हम। यार स्पॉन ही नहीं हो रहे, पता नहीं किसी के वर्ड में जल्दी स्पॉन होते, किसी मेरे वर्ड में लेट होंगे, क्योंकि ये विलेजर ना तुरंत काम नहीं करेंगे। तो ओके गाइस बाय, अब हम मिलेंगे ना आपको अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या करेंगे हम भाई, दो तरह के स्टोन फार्म बनाएंगे, दो तरह के अलग अलग स्टोन फार्म बनाएंगे। एक में चलो बाद उसी वीडियो में बताऊँगा, अभी बता दूंगा तो सरप्राइज बेकार हो जाएगा। ओके बाय गाइज़।